छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आह्वान में पूरे राज्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हर सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान में स्कूल भी पीछे नहीं दिखे। इसी अभियान में अपनी भूमिका निभाते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुरूद के प्रणांग में वृक्षारोपण का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि नगर निगम भिलाई के जोन 2 की आयुक्त पूजा पिल्लय एवं स्थानीय पार्षद सुशील देवांगन सहित अन्य गणमान्य भी शामिल हुए। अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्प गुच्छ देकर शाला के प्राचार्य सुश्री एवं मिसर द्वारा किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों सहित शाला के प्राचार्य ने भी शाला प्रणांग में पौधारोपण किया। शाला प्रणांग में चलाए गए इस वृक्षारोपण अभियान के बारे में जहां शाला के प्राचार्य ने न्यूज टीम को जानकारी दी, वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी पर्यावरण के महत्व को समझते हुए अपनी बात हमसे साझा की। प्राचार्य ने कहा कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है और यह संतुलन हर नागरिक की जिम्मेवारी है। अगर पर्यावरण का संरक्षण ना किया गया तो वातावरण भी असंतुलित हो जाएगा, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ सकता है। जैसे इस वक्त कोरोना से पूरा देश परेशान है। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। मैडम, आज वृहद वृक्षारोपण का कार्य राज्य स्तरीय किया जा रहा है, आपके स्कूल में भी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हरियाली बहुत आवश्यक है, भारत की आबादी 1,35,00,000 है। यदि हर व्यक्ति एक पेड़ साल में एक बार लगा लें तो पूरा भारत जो है हरा भरा हो जाएगा और प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। जी मैडम, जी मैडम बताएंगे। जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के निर्देश के अनुसार आज पूरे जिले में और हमारे भिलाई नगर निगम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत आज पूरे स्कूल में वृक्षारोपण किया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.